तो देखिए नेक्स्ट, हमने अभी तक ये पढ़ा है केपी कैसी में क्या रिलेशन है, लेकिन इनको कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी हम देखते हैं। तो हेडिंग डालेगा कैलकुलेशंस, कैलकुलेशंस ऑफ केपी एंड केसी फॉर होमोजीनियस रिएक्शंस। होमोजीनियस का मतलब हो गया सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम स्टेट में है, फेज में है, ठीक है। तो एग्जाम्पल लेके चलते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। एग्जाम्पल कोई भी हमारे पास आ रहा है, N2+, नहीं हमें लेना पड़ेगा H2+Cl2 ट्वाइस HCl। समझ में आ रहा है? अब आपको ध्यान से देखिएगा, अगर आपको वॉल्यूम दिया हुआ है, मोल दिए हुए हैं, तो आप केसी निकालेंगे, और अगर प्रेशर दे रखा है तो आप केपी निकालेंगे। तो यहाँ हमेशा ध्यान रखिएगा की पॉइंट क्या रहेगा, इफ प्रेशर, टोटल प्रेशर गिवन, टोटल प्रेशर का मतलब इक्विलिब्रियम प्रेशर है, टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम गिवन फाइंड केपी, और दूसरी तरफ इफ टोटल वॉल्यूम एट इक्विलिब्रियम इज गिवन फाइंड केसी। बस ये चीज का ध्यान रखेंगे। तो यहां आपके पास H2+Cl2 ट्वाइस HCl है पक्का, तो यहां आपको वॉल्यूम गिवन है। कैसे दिखाई दे रहा है? इनिशियल मोल ए है, बी है, और इसके जीरो है। समझ में आ रहा है? और हमारे पास, हम इसको ऐसे लिखते हैं T=0। ये केस स्टडी है, मैं एग्जांपल की जगह केस फर्स्ट ले लेता हूँ। ए बी जीरो, और T=0 का मतलब है शुरुआत में समय जीरो है, टी का मतलब टाइम, और इक्विलिब्रियम पर ए माइनस एक्स, बी माइनस एक्स, और ये कितना हो जाएगा 2x। बोलो क्लियर है यहाँ तक भी? थर्ड पॉइंट हो जाएगा कि T=इक्विलिब्रियम पर हमारे को मोल में आदत नहीं है, ये सब मोल में है, हमें किस में करना होता है, मोल पर लीटर वॉल्यूम में। तो मोल पर लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हर चीज हमें कैसे करना पड़ेगा, ए माइनस एक्स अपॉन वी, बी माइनस एक्स अपॉन वी, और 2x/v। अब हम केसी निकालेंगे क्योंकि वॉल्यूम दिया हुआ है, तो केसी इक्वल टू कैसे निकालेंगे, 2x/v, इसकी कंसंट्रेशन पावर 2, ए माइनस एक्स अपॉन वी पावर 1, और बी माइनस एक्स अपॉन वी पावर 1, वी वी, ये वी स्क्वायर क्रॉस हो गया, तो आपके पास क्या हो जाएगा, 4x² / a - x b - x। क्लियर है? तो यहां दो पॉइंट है, डेल्टा एन जी इस जगह कितना दिया है आपके पास, जीरो। डेल्टा एन जी क्या दे रखा है, जीरो, और अगर डेल्टा एन जी जीरो है तो दो पॉइंट और बन के आएंगे। पहला, एक तो केपी की वैल्यू क्या हो जाएगी, केसी, यानी यहां पर आपको केपी और केसी की वैल्यू सेम मिलेगी। दूसरा, आपके पास यहां पर केपी केसी वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं कर रहे, वॉल्यूम है ही नहीं, तो वॉल्यूम अगर यहाँ पर 2 लीटर देते, 10 लीटर देते, तो केपी कैसी की वैल्यू में कोई दिख रहा होता, तो वॉल्यूम वाली टर्म केपी कैसी में इन्वॉल्व नहीं है। तो आप अगर गलती से यहाँ पर भी क्वेश्चन तेजी से करना चाहें और छोड़ दें ये वाली स्टेप, तो आप, ये स्पीड बढ़ जाएगी और आपका काम भी चल जाएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम टर्म नॉट इन्वॉल्व, नॉट प्रेजेंट या इन्वॉल्व इन केसी। जब भी डेल्टा एन जी जीरो तभी ये लगा सकते हैं, हर जगह नहीं लगेगा। एक और केस कर लेते हैं हम, केस है हमारे पास N2, मैं ये ले लेता हूं PCl5 डिकम्पोज PCl3+Cl2। बताइए इसके लिए डेल्टा एन जी क्या है, डेल्टा एन जी की वैल्यू आपको क्या दिख रही है, +1 या -1? +1, क्योंकि प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। आ रहा है समझ में? मान लीजिए इसके शुरुआत में आपको ए मोल दिए हैं 0 0, चमक रहा है? तो जब भी आपके पास
इस तरह से दिया है ए जीरो जीरो, तो इक्विलिब्रियम पे आप कैसे लिखेंगे इसको, ए माइनस एक्स एक्स एक्स। आपको वॉल्यूम भी दिया गया है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर वी लीटर दिया है। तो अब आप कैसे आगे सॉल्व करेंगे, ये तो आपके पास मोल है, क्या यहां पर वॉल्यूम की जरूरत पड़ेगी? हाँ, क्योंकि डेल्टा एन जी जीरो नहीं है। तो अब आपके पास टी इक्वल टू इक्विलिब्रियम में आधा डाल दो इस जगह की, मोल पर लीटर में ही बात करेंगे हम। कैसे करेंगे, ए माइनस एक्स अपॉन वी, एक्स अपॉन वी और एक्स अपॉन वी करके। और बताइए यहां केसी की वैल्यू क्या होगी, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो एक्स बाय वी डिवाइडेड बाय ए माइनस एक्स बाय वी, ये वी क्रॉस हो गया, फाइनल आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए माइनस एक्स, और एक अभी भी वी बचेगा और वो यहाँ आएगा। ये होगी केसी की वैल्यू। और केपी की वैल्यू अगर आपको यहाँ निकालनी है तो केपी इक्वल टू केसी आर टी पावर डेल्टा एन जी, और डेल्टा एन जी यहाँ पर कितना है, वन। आर की वैल्यू हमें मालूम है 0.0821 है, लेकिन टेम्परेचर तो नहीं मालूम, टेम्परेचर भी दिया होना चाहिए फिर। तो यहाँ टेम्परेचर कौन सा होगा, इक्विलिब्रियम, कंसंट्रेशन कौन सी होती है, इक्विलिब्रियम। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे हमें करना है क्वेश्चंस। लेकिन मित्रों अगर हमें यहाँ पर टोटल कंटेनर वॉल्यूम नहीं दिया होता, प्रेशर दिया होता, तो हम कैसे स्टार्ट करते, यानी हमारे पास वैसे ही स्टार्ट होता पी सी एल फाइव डीकम्पोज पी सी एल थ्री प्लस पी सी एल थ्री प्लस सी एल टू, और हमें दिया गया है यहाँ डेल्टा एन जी पॉजिटिव और प्रेशर एट इक्विलिब्रियम वो दिया है पी टोटल, यानी इक्विलिब्रियम पे जो प्रेशर है वो पी टी दिया गया हुआ है, पी टोटल या पी टी मान लीजिए आप, ये दिया गया है। हम कैसे स्टार्ट करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे जैसा हम करते आए, ए मोल जीरो जीरो, ए माइनस एक्स एक्स एक्स। क्या यहाँ तक आपको पहुँचने में कोई टाइम लग रहा है, नहीं, लेकिन यहाँ पर हमें अब प्रेशर दिया है तो हमें हर चीज़ किस में चाहिए, मोल पर लीटर में या पार्शियल प्रेशर में, पार्शियल प्रेशर में। यहाँ तक तो हर चीज़ आपके पास क्या था, मोल, अब आपको क्या चाहिए, पार्शियल प्रेशर, ये मोल में दिया था शुरुआत में। तो कैसे करेंगे, ए माइनस एक्स नहीं, थोड़ा सा मेहनत करेंगे, मोल ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय ए माइनस एक्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल, और टोटल मोल क्या होंगे, ए प्लस एक्स, इन सबको ऐड करना पड़ेगा, मोल ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय टोटल मोल मल्टीप्लाई बाय पी टोटल, ऐसे ही एक्स डिवाइडेड बाय ए प्लस एक्स पी टोटल, एक्स डिवाइडेड बाय ए प्लस एक्स पी टोटल। तो अब आपके पास के पी की वैल्यू क्या आएगी, के पी की वैल्यू आएगी प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, यानी एक्स अपॉन ए प्लस एक्स पी टी, एक्स ए प्लस एक्स पी टी डिवाइडेड बाय ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स पी टी। तो जब आप ये चीज कर चुके हो तो आपका काम बहुत आसान रहेगा। आपको बस इसको इजी वे में लाना है। तो केपी की वैल्यू क्या होगी, ए प्लस एक्स पी टी, एक बार तो कट जाएगा ये, तो आपके पास बचेगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक ए प्लस एक्स और नीचे ए माइनस एक्स, और पी टी एक बचेगा जो ऊपर ही रहेगा। बोलो हाँ या ना, इसको क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पी टोटल। बोलो लिख सकते हो, ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स, तो ये आपके पास के पी हो गया। तो ये कब निकालेंगे, जब पी टोटल दिया हो, केसी कब निकालेंगे, जब वी टोटल दिया हो। तो आपको पहले से ही मालूम होना चाहिए क्या चीज़ दी हुई है और कैसे निकालना है। तो ये हमारे पास एक बहुत अच्छा कंसेप्ट हो गया। अब एक और केस हम ले रहे, केस थर्ड, जब डेल्टा एन जी आपके पास क्या हो, नेगेटिव। तो कोई भी एक एग्जाम्पल ले लो जिसके लिए डेल्टा एन जी नेगेटिव है, तो वो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एन टू प्लस थ्राइस एच टू फॉर्म्स ट्वाइस एन एच थ्री। आसान भाषा में करते चले जाएंगे,
आपको ए मोल दिया है, बी मोल दिया है, टी इक्वल टू जीरो टाइम पर मोल में दिया हुआ है। अगर ये मास में दिया है तो मोल में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे करोगे? मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, लेकिन स्टार्ट मोल से ही करना है, किसी में भी दिया हो। तो ये आपके पास ए बी, तो आप यहाँ क्या करेंगे, ए माइनस एक्स, बी माइनस थ्री एक्स, सामने देखो, और ये क्या हो जाएगा, टू एक्स। कितना आसान है, ए माइनस एक्स इसके कितने हो जाएंगे, थ्री, बी माइनस थ्री एक्स इसके टू एक्स होंगे कॉफिशेंट। आपके पास क्या आ गया, ये टी इक्वल टू इक्विलिब्रियम पर मोल आ गए, लेकिन आपकी आदत क्या है, टी इक्वल टू इक्विलिब्रियम पर मोल पर लीटर में लिखने की आदत है। बस कम नहीं लिखते जब डेल्टा एन जी जीरो, बाकी सब जगह लिखते। तो मोल डिवाइडेड बाय क्या लिखोगे आप, वॉल्यूम, वी बी माइनस थ्री एक्स डिवाइडेड बाय बी, टू एक्स डिवाइडेड बाय वी, और आपको वी टोटल गिवन है, वी कंटेनर, कंटेनर आपको दिया गया है वी। अगर प्रेशर दिया होता तो पार्शियल प्रेशर में लेते, उसके लिए क्या करते, मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल मल्टीप्लाई बाय पी टोटल। अभी आप क्या कर रहे हैं, मोल डिवाइडेड बाय बस वॉल्यूम, मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो अब आपके पास क्या आएगा, केसी आएगा, कैसे करेंगे, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो टू एक्स डिवाइडेड बाय वी, क्या इसके ऊपर पावर लगाई जानी चाहिए, थ्री, यस, क्योंकि कॉफिशियंट कितना है, टू है, तो टू ही लगेगी आ रही है। और यहाँ क्या लिखेंगे आप, ए माइनस एक्स अपॉन वी, और यहाँ पर पावर क्या रहेगी, वन, और बी माइनस थ्री एक्स अपॉन वी, पावर क्या रहेगी यहाँ पर, थ्री, लिखें इसको। चलो ठीक है, तो हम एक और टॉपिक यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, अगर हिट्रोजीनियस रिएक्शन हुआ तो क्या होगा, हिट्रोजीनियस, हिट्रोजीनियस रिएक्शंस। तो दोस्तों हिट्रोजीनियस रिएक्शन क्या होती है, पहले तो ये समझो, हिट्रोजीनियस रिएक्शन है जिसमें सॉलिड और गैसेस के मिक्सचर देखने को मिलते हैं जनरली, यानी कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर नॉट इन सेम स्टेट इज कॉल्ड हिट्रोजीनियस। तो ज़्यादातर पता है मैं क्या केस लेता हूँ, यहाँ पर कोई ए सॉलिड है और वो बी गैस में चेंज हो रहा है, तो इस तरह का, या सी सॉलिड में भी चेंज हो रहा है, तो जो सॉलिड है उसको काट दो, उसका कोई रोल नहीं है। तो टी इक्वल टू जीरो पर इसके लिए सॉलिड के लिए, और सॉलिड के लिए क्या शो करोगे आप, डैश, डैश का मतलब इनका जो एक्टिव मास है वो कांस्टेंट है, उससे कोई लेना देना नहीं है, जबकि पी गैस कितना है, जीरो, और टी इक्वल टू इक्विलिब्रियम पर ये फिर डैश, ये डैश। अब बात आती है कि आपको टोटल क्या दिया हुआ है, प्रेशर दिया है, हाँ, तो यहाँ प्रेशर दिया हुआ है आपको सपोज पी, तो जब इसका पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है तो आप ये क्वेश्चन पार्शियल प्रेशर में ही सोचेंगे। तो कैसे समझते हैं आप हेट्रोजीनियस में, ये पार्शियल प्रेशर हो गया तो केपी की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या आपके पास यहाँ पर पार्शियल प्रेशर दिया है तो पार्शियल, ये पार्शियल प्रेशर ही कंटेनर प्रेशर होगा, बोलो यस और नो, कोई अलग से नहीं होगा, और कंटेनर प्रेशर ही यहाँ पर क्या कहलाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ दिस, क्योंकि इसके अलावा कोई और कॉन्ट्रीब्यूट कर ही नहीं रहा। तो एक तरह से केपी की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी बी, और पी बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी टी, यानी आपके पास पी टोटल, और वो क्या है, पी टोटल पी ही है, तो यहाँ के पी ही पी है और पी ही के पी है इस जगह। तो ऐसा एग्जाम्पल कौन सा होगा जहाँ ऐसा देखने को मिलता है, वो है सी ए सी ओ थ्री डीकम्पोज सी ए ओ सी ओ सी ए ओ प्लस सी ओ टू। तो बताइए ये गैस है या नहीं है, ये सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, तो ये तो हमारे लिए कट गया। तो यहाँ पर के पी, मैं डायरेक्ट के पी लिख देता हूँ, टी इक्वल टू इक्विलिब्रियम लिख देता हूँ, तो यहाँ पर पी मान लीजिए, तो इस जगह कोई और नहीं है, तो के पी ही आपके पास क्या हो जाएगा, के पी, पी सी ओ टू हो जाएगा, और पी सी ओ टू पी दिया हुआ है, और पी ही आपके लिए पी टोटल होगा। तो ये सब चीज़ें एक दूसरे के साथ है। तो इस तरह के कंटेनर में के पी की वैल्यू पार्शियल प्रेशर ऑफ दिस। अब केस स्टडी दूसरा, ये केस फर्स्ट, तो बताइए इसके अंदर केस स्टडी में सी ए ओ या सी ओ टू का अमाउंट ज़्यादा ले लोगे तो क्या फर्क पड़ेगा, कुछ भी नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ किस पर डिपेंड करेगा, के पी सी ओ टू के साथ। केस सेकंड, अगर आप यहाँ पर बात कर रहे हो कि कोई ऐसा रिएक्शन है जिसमें ए डिकम्पोज हो रहा है लेकिन बी प्लस सी, और ये गैस है, ये भी गैस है और ये सॉलिड है, हिट्रोजीनियस हो गया ना, तो बताइए
टी इक्वल टू जीरो पर आप कैसे लिखोगे, डैश जीरो जीरो, और कोई सॉलिड है नहीं, तो टी इक्वल टू इक्विलिब्रियम पर क्या क्या लिखोगे, डैश पी, जितना प्रेशर इसका बनेगा उतना ही इसका बनेगा, पी पी। तो बताइए केपी क्या लिखोगे आप इस जगह, पी मल्टीप्लाई बाय पी पी स्क्वायर, बोलो लिख सकते हो, और पी टोटल क्या लिखोगे इस जगह, टू पी, क्योंकि पी टोटल पी प्लस पी हो जाएगा टू पी। तो क्या मैं केपी की वैल्यू यहां पर पी टोटल डिवाइडेड बाय पी टोटल स्क्वायर डिवाइडेड बाय फोर लिख सकता हूं? हाँ, पी की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, पी टोटल डिवाइडेड बाय टू उसका स्क्वायर, पी टोटल स्क्वायर। तो आपको जल्दीबाजी में ये गलती नहीं करना है, केपी तो पी स्क्वायर है, लेकिन आपको दिया क्या है, कंटेनर प्रेशर दिया हुआ है सपोज पी टोटल, तो इन दोनों में क्या रिलेशन है, टू पी इक्वल टू पी टोटल, इन दोनों को समेशन करना पड़ेगा, तो आपका केपी की वैल्यू होगी ये। तो चलिए एक डेरिवेशन आपके लिए, थर्ड केस, ये यहां आपको दिया हुआ है ए कन्वर्ट हो रहा है टू बी प्लस सी में, और ये सॉलिड दे रखा है, ये गैस दे रखा है, ये गैस दे रखा है, कैसे सोचेंगे आप, टी इक्वल टू जीरो पर डैश जीरो जीरो, टी इक्वल टू इक्विलिब्रियम पर डैश टू पी और पी। तो बताइए केपी की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां पर, टू पी स्क्वायर पी, और पी टोटल क्या होगा, पी टोटल थ्री पी। तो अब आपके पास हो जाएगा ये फोर पी क्यूब इसके देखा जाए तो, और पी की वैल्यू क्या होगी, पी टोटल डिवाइडेड बाय थ्री, तो आपके पास फोर डिवाइडेड बाय ट्वेंटी सेवन पी टोटल क्यूब बना सकते हैं आप। तो बहुत आसान है, आपको दिया क्या है, पी टोटल दे रखा है जो कि थ्री पी होगा अपने आप में, और हमने पी की टर्म में निकाला, लेकिन हमें पी दिया पी टोटल था, तो पी को पी टोटल में कन्वर्ट करके हमारे पास ये रिलेशन आ गया। इसको न्यूमेरिकल फॉर्मेट में भी दिया जा सकता था। चलो यहां तक लिखो आप, देखिए ये दो एग्जांपल है जिनके सॉल्यूशंस आपको बनाने हैं। इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन पी टोटल एट इक्विलिब्रियम इज 10 एटीएम, फाइंड केपी, केपी निकालना है। तो आप कैसे करेंगे सॉल्यूशंस, आपको मालूम है ये सॉलिड है, तो डैश जीरो जीरो, ये तो हुआ टी इक्वल टू जीरो पर, टी इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा, डैश फोर पी और ये पी हो जाएगा, बोलो यस और नो। तो बताइए आपको केपी की वैल्यू क्या दे रखी है, क्या मिलेगी आपको, 4p की पावर 4 और p की पावर 1, तो आपके पास हो जाएगा 256 इंटू पी की पावर 5, बोलो यस और नो। और आपको एक और चीज दी गई है 4p प्लस पी, यानी कि ये दिया गया है p टोटल, तो आपके पास क्या हो जाएगा, p की वैल्यू क्या हो जाएगी, p टोटल डिवाइडेड बाय 5, और आपको ये रखना पड़ेगा, तो 256 पी टोटल डिवाइडेड बाय 5 पावर 5, समझ में आ रहा है। तो आपके पास जब ये आएगा तो 256 डिवाइडेड बाय 625 मल्टीप्लाई बाय 5 कुछ इस तरह का आएगा, और पी टोटल डिवाइड पावर 5, तो ये आपके पास आंसर आएगा, यस और नो। अब दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं यहां पर, इन द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस द वैल्यू ऑफ केपी इज गिवन, फाइंड पी टोटल, पी टोटल आपसे पूछा जा रहा है। चलो तो कैसे करेंगे, टी इक्वल टू जीरो पर डैश जीरो जीरो, टी इक्वल टू इक्विलिब्रियम पर डैश टू पी पी, ऐसे ही लिखेंगे। तो बताइए यहां पर क्या हो जाएगा, पी टोटल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थ्री पी, और दूसरी तरफ केपी की वैल्यू क्या हो जाएगी, टू पी का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय पी, तो कितना हो जाएगा, फोर पी क्यूब, जिसकी वैल्यू आपको कितना दिया गया है, फोर इंटू टेन पावर थ्री। तो जब फोर इंटू टेन पावर थ्री है तो आपके पास पी की वैल्यू कितना आएगा, टेन एटीएम।
और आपसे पी टोटल पूछा जा रहा है, पी टोटल की वैल्यू क्या होती है, 3P, यानी कि 30 ATM, ये आपका आंसर होगा, जो कि काफी आसान है, आप कर सकते हैं, करिए इसको।